वेलकम बैक टू एवरीवन ऑन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, यानी कि चैप्टर नंबर 3 अपन ने डिस्कस कर लिया था। अपन ने उस चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर जो उसके पहले था उसके अंदर अपन ने प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस किया था, और इस थर्ड चैप्टर में अपन ने पब्लिक सेक्टर को डिस्कस किया था। इन आवर फोर्थ चैप्टर जो कि अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, यानी कि अपन ने अब सर्विस सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके मीनिंग की, भी मीनिंग होता क्या है। देखिए, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। यानी कि अपन ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर कि कॉमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड होती है। कॉमर्शियल फर्म्स जो होती है, कॉमर्शियल फर्म्स इस सेक्टर्स के को सर्विस प्रोवाइड करवाने के पर्पस, सर्विस प्रोवाइड करवाने के पर्पस से वो इस बिजनेस को एंगेज करती है, बिजनेस में एंगेज होती है। दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर ऑफ ए बिजनेस। इन पास्ट, रिसेंट पास्ट यानी कि प्रीवियस कुछ सालों के अंदर, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक इज ग्रेटर फास्ट, यानी कि ग्रोइंग फास्टर देन द एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री। पिछले कुछ सालों में जो सर्विस सेक्टर का रोल है इंडियन इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा है देन कंपेरिजन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में। सर्विस सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है। तो अपन ने जो मीनिंग की बात करी, मीनिंग क्या कहा कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। एंड इन रिसेंट पास्ट यानी कि पिछले कुछ सालों में, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग फास्टर देन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। जो कि पिछले कुछ सालों में सर्विस सेक्टर का रोल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेशन है देन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज के। अब इसके फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स लिखा हुआ है इंटेंजिबल, यानी कि सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं दे सकती, उसको सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। सर्विस गुड्स की तो है नहीं, गुड्स की तरह तो है नहीं कि सर्विस आपने क्या लिया, क्या खरीदा, आप टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विस को अपन ने जब सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस परचेज करी है तो हम उस सर्विस को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, उसको टच नहीं कर सकते। सेकंड है लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी। लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है कि सर्विस हैज टू बी परफॉर्म्ड ईच एंड एवरी टाइम बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। अपन ने कहा कि इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लाइक अपन बात करें कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो डिफरेंट है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक से, क्लियर है। थर्ड अपन ने बात करी कि इन्वेंट्री यानी कि सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। अपन ने क्या बात करी कि सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, सो फॉर दिस रीजन दे आर नॉट टू बी स्टॉक और इन्वेंट्री, यानी कि सर्विस को स्टॉक और इन्वेंट्री इनके रूप में स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विस को उसी टाइम कंज्यूम करना होता है जिस टाइम पर उनका प्रोडक्शन होता है। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की जब अपन बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उससे ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती, क्लियर है। लास्ट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन की बात है कि सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्विस टेकर फ्रॉम देयर पार्टिसिपेशन, यानी कि सर्विस जो खरीदता है, परचेज करता है, उसका एक्सपीरियंस ही, उसको एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब वो उसके अंदर खुद पार्टिसिपेशन करेगा। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो अपन कहते हैं कि टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो टेलीफोन फैसिलिटीज या सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो पार्टिसिपेशन को फोन कॉल करना और रिसीव करने के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। ये अपने फीचर्स की बात करी थी, मीनिंग की बात करी थी, जो अपना कि नया चैप्टर 4th स्टार्ट हुआ है बिजनेस सर्विसेज, यानी कि अपन सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर।
तो जो अपना सर्विस सेक्टर है उसके लिए अपन ने इसके मीनिंग की बात करी कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स द कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, अपना वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट और रिसेंट पास्ट. सर्विस सेक्टर इज फास्टर ग्रोइंग इन द इंडियन इकोनॉमिक देन द एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज. फीचर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फीचर अपन ने लिखा इंटेंजिबल, यानी कि सर्विस सेक्टर हो जाए जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, यानी कि दिखाई नहीं देती सर्विस. सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपन फील कर सकते हैं. लैक ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी कि सर्विस सेक्टर की इनकंसिस्टेंसी के बारे में जब अपन ने बात की तो सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स. सर्विस इज प्रोवाइडेड ईच टाइम एट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर की डिमांड के ऊपर ही सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है. सर्विस को अपन पहले से स्टोर नहीं कर सकते. सेम चीज अपन ने इन्वेंट्री के अंदर बात करी कि सर्विस इज टू बी कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि सर्विस का जब प्रोड्यूस किया गया उसको उसी टाइम पर कंज्यूम करना जरूरी है. अगर ये नहीं करते हैं तो वो टोटली लॉस हो जाता है. टोटल लॉस है, अगर उसको कंज्यूम नहीं किया जाता है तो वो टोटल लॉस हो जाता है. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की बात करी तो अपन ये कहते हैं कि जो ट्रांसफरेबिलिटी है इसकी सर्विस प्रोवाइडर्स की, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस. लाइक ए डॉक्टर, अगर डॉक्टर की सर्विस को आपको कंज्यूम करना है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही उसकी सर्विस मिल सकती है, यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी हो नहीं सकती. अपन कस्टमर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो एवरी कस्टमर्स और एवरी सर्विस टेकर या सर्विस परचेजर इज पार्टिसिपेट इन द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज. सर्विस प्रोवाइड जो की है उसके अंदर उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. एग्जाम्पल के लिए अपन कहते हैं कि टेलीफोन सर्विसेज है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली जो सर्विसेज कंपनीज है या फर्म्स है उनकी जो भी सर्विसेज होगी उसको पार्टिसिपेशन के थ्रू ही आप एक्सपीरियंस्ड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में. तब तक आपको इसको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है. थैंक यू.